सलोनी, ये देख परी लोग जाने का इनविटेशन कार्ड। हाँ। वाह, मतलब तुम दोनों का भी वहाँ सम्मान होगा ना? अरे नहीं नहीं, हम तो वहाँ स्पेशल गेस्ट बन के जा रहे हैं। वाह, तुम दोनों बहुत लकी हो जो परी लोग देख पाओगे। बॉस, सुना आपने, इनको परी लोग का इनविटेशन कार्ड मिल गया और हम रह गए। हाँ मोंटू बॉस, और हमें तो हमेशा जीरो ही मिलता है। जीरो नहीं, हीरो बोलो, हीरो। आई एम हीरो। बॉस वो सब छोड़ो, मैं क्या बोलता हूँ, आपके पापा की तो बहुत पहचान है, उनको बोल के एक इनविटेशन कार्ड का बंदोबस्त कराओ ना अपना। हाँ। बेवकूफ, इसे चिंदी से काम के लिए मैं मेरे पापा को डिस्टर्ब करूँ? पापा मनी राम द ग्रेटेस्ट लगाने को पागल है क्या तू? उनको इनविटेशन कार्ड मिला है ना, उनको मिला तो मतलब हमें मिला है, जो उनका है वो हमारा है। चलो। हेलो मानो मैर। हेलो मानो मैर, तुम्हें परी लोग जाने का इनविटेशन मिला? मुझे तो मिल गया। मैं ये फेंक रहा है, इसको कौन देगा इनविटेशन कार्ड? वो ही ना। ये देखो मेरा इनविटेशन कार्ड, देखो देखो। ये और वो भी इनविटेशन कार्ड, ये तो कोई शादी का कार्ड लगता है, शादी का कार्ड। अरे असली परी लोग जाने का इनविटेशन कार्ड तो ये है, ये देख। ओह, ये असली इनविटेशन है, दिखाओ जरा, दिखाओ। देख, ऐसा होता है इनविटेशन का। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू, ये मोंटू, हमें हमारा इनविटेशन कार्ड वापस दे। ये चाहिए ना, ले 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 ले। मैं मानव मेहर का निमंत्रण पत्र हूँ, मुझे वापस दे दो उन्हें। अरे वाह, ये कार्ड बोलता भी है। मैं केवल बोलता नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ। अच्छा बेटा, तो तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को धमकी दे रहा है? ए मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी किससे डरता नहीं है, समझा ना? जा, तुझे जो करना है ना कर ले, अब तो मैं तेरे साथ ही परी लोग जाऊंगा, समझा? अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें हवा में उड़ा दूंगा। हवा में? लेटर नीचे उतारो, लेटर नीचे उतारो, नीचे उतार, नीचे उतार, देख पापा को नाम बोलूंगा, नीचे उतार, रोहित के भाई, नीचे उतार, प्लीज 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 प्लीज। एक ही शर्त पे उतारूंगा, तुम मुझे वापस लौटा दो। हाँ दे दूंगा, दे दूंगा, नीचे उतार, दे 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 दो। रोहित केवल अपने मोटे से मोंटू बॉस को किसी नल के नीचे बिठाकर उन्हें रगड़ रगड़ के साफ कर देना। हाँ। और हाँ, ये रहा तुम्हारे परी लोग जाने का इनविटेशन कार्ड। हाँ। मजे से जाना। हाँ। बाय। चल। अरे मोटा तो अटक गया। चुलबुली तितली, सम्मान समारोह में आपका स्वागत है। हमें निमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। महागजनी, आपका इस सम्मान समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से इस सम्मान समारोह की शोभा और भी बढ़ गई है। शुक्रिया परियों, आपने तो सम्मान समारोह के लिए कितना अच्छा सजाया है परीलोक को। शुक्रिया महाराजी। रानी परी, सारी अतिथि परियां पधार चुकी है और पूरा सभागृह भी भर गया है। हाँ रानी परी, अब समय आ गया है बच्चों को यहाँ बुलाने का। हाँ परी।
बिल्कुल ठीक कहा, हम अभी बादलों के रथ को बुलाते। बालवीर, आप इस बादलों के रथ में जाइए और जिन पांच बच्चों का सम्मान होने वाला है आप उन्हें यहाँ लेकर आइए। जी रानी पद्मा। बादलों के रथ प्रस्थान करो। की सवारी बड़ी शान से और है परिया भी कुछ सम्मान समारोह के लिए। सम्मान नहीं अपमान होगा तौबा तौबा, परियों का और उस बालवीर का। परियों के सभागृह में खुशी की नहीं दर्द की चीखें गूंजेगी और इन बच्चों का तो मैं वो हाल करूंगी कि सच्चे और अच्छे काम करने के नाम से ही कांपने लगेंगे। ओ करती आप भी बड़ी बड़ी बातें परी भयंकर की तरह, लेकिन है मुझे भरोसा आपकी शक्ति पर। हाँ, आप इस बार जरूर कुछ करोगी जो कर नहीं पाई वो निकम्मी परी भयंकर। मैं परीलोक पर ऐसा वार करूंगी कि परीलोक और पृथ्वी लोक की नींव हिल जाएगी। मैं आ रही हूँ परियो, आ रही हूँ तुमसे मिलने बुराई की महाशक्ति दैत्यानी। कहाँ है, अभी तक नहीं आया बालवीर। आएगा बेटा आएगा। यस यस, होम पापा आ गया बालवीर बादलों का रस लेके। वो देखो बालवीर, आओ। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे तो लग रहा है मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि आज तक तो मैंने बादल सिर्फ आसमान में देखे और वो भी यहाँ से, लेकिन आज बादलों का रथ मेरे सामने है और वो भी इतने नजदीक। यस बालवीर, आज तक हमने इसे कई तोहफे दिए हैं, लेकिन ऐसा तोहफा हम कभी नहीं दे पाते। इसका श्रेय केवल आपकी बेटी को ही जाता है, क्योंकि उसी के अच्छे काम की वजह से उसे ये तोहफा मिला है। तो ये शब तैयार हो। हाँ। बाय मम्मी, बाय पापा, बाय बेटा। रानी परी, सारा बंदोबस्त हो चुका है। हाँ रानी परी, अब जैसे ही बालवीर उन भाग्यशाली बच्चों को लेकर आएंगे हम सम्मान समारोह शुरू कर देंगे। शुक्रिया परी। कई दिनों से हम जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। हाँ। ये सब तो बिल्कुल हमारे स्वप्न की तरह है। दैत्यानी सचमुच जीवित तो नहीं हो गई। हमें तो डर है रानी परी कि कोई बुरी परी इस कार्यक्रम में बाधा न डाल दे। नहीं, यह संभव है। हमने यहाँ बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।
की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों की शक्ति। हूं मैं बुराई की महाशक्ति। दैत्यानी लोग मेरी सफाई कर रहे हो या धुलाई कर रहे हो? धुलाई कर रहे हैं। हाँ? बस बस धुलाई मतलब ड्राई क्लीनिंग। देखो ना अब कचरे के डिब्बे में गिर गए, फिर आप मोंटू तो ग्रेटेस्ट निकानी से मोंटू तो डर्टीएस्ट निकानी बन गए। छी। और हाँ मोंटू बस अब आपको इनविटेशन लेटर का ख्याल छोड़ दो और घर चलो, क्योंकि आपको इनविटेशन लेटर मिलने नहीं वाला है। चुप। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कभी हार नहीं मानता। मैं वो इनविटेशन लेटर उन पिटियों के पास नहीं रहने दूंगा। अगर वो मुझे नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। इधर आओ। मुझे ना परियों के साथ फोटो खींचनी है। हाँ? जरूर, आपकी हर मनोकामना परियां पूरी करेंगे। आखिर आप हमारे अतिथि हो। वाह कितना मजा आएगा। हाँ? मजा तो तब आएगा ना जब तुम पिद्दी लोग परी लोग जाओगे। ए मोंटू अभी अभी तू हवा खा कर आया, तुझे वापस हवा में उड़ना है क्या? बस बहुत हो गया, इस बार तेरे कार्ड को बोल मुझे हवा में उड़ाने के। अब ये कार्ड मुझे हवा में नहीं उड़ा सकता, उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। ला कार दे। चलो बांधो बांधो मोंटू, हमारे कार्ड वापस दे दे जल्दी। ये लोग क्या कर रहे हैं? मोंटू हमारा कार्ड वापस कर दे। मानव तू बहुत फुदक रहा था ना, बोल आप तेरे कार्ड को बोल मुझे उड़ाने के लिए। बोल बोल। अरे बोल। अगर तुम चालाक हो तो मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। मैं तुम्हें हवा में भले ही नहीं उड़ा सकता लेकिन मैं तुम्हारे होश जरूर उड़ा सकता हूँ। कैसी हो रानी पर? हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं। और हाँ दत्यान, तुम भी बिल्कुल नहीं बदली। मैं कैसे बदल सकती हूँ रानी पर? मैं अब भी वही हूँ, बुराई की महाशक्ति दत्याने। तो तुम वापस आ ही गई सदियों की गहरी नींद से। हाँ आ गई मैं वापस। तुम परियों ने मुझसे धोखा करके मुझे गहरी नींद में सुला दिया था, उसका बदला तो मुझे लेना ही था।
अब तुम सब देखो, पृथ्वी लोक का हर बच्चा मेरे वश में होगा। और कैसे कैसे मैं इस पूरे पृथ्वी पर राज करती हूँ। परियों और परिलोक को लोग भूल जाए, ना तो कोई नाना नानी या दादा दादी बच्चों को परिलोक की कहानी सुनाए, और ना ही लोगों को परियों पे विश्वास है। तुम सब सच्चे और अच्छे लोगों की रक्षा करते हो ना, अब देख मैं किसी को सच्चा और अच्छा रहने ही नहीं दूंगी। दैत्यानी, ये सपने देखना छोड़। परियों, डरना भी चाहिए। अगर मैं चाहूं तो दो ही पल में तुम सबको इस भवन में डालकर हमेशा हमेशा के लिए शून्य में फेंक सकती हूं। लेकिन अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मेरे सदियों के बदले का क्या होगा? वो तो एक ही पल में खत्म हो जाएगा। मैं तुम सबको धीरे धीरे समाप्त करूंगी और फिर पृथ्वी लोक और परिलोक पर मेरा राज होगा। परियों की ये चमक हमा बुराई की राख में दब जाएगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।